कोरोना वायरस महामारी के बीच एक और वायरस ने दस्तक दी है। इस वायरस की चपेट में आने से अब तक हजारों मवेशी काल के गाल में समा गए हैं। सरकारी रिपोर्ट की माने तो 50,000 से अधिक गायों और भैंसों की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं लाखों की संख्या में मवेशी लंपी वायरस की चपेट में हैं। देश में लंपी वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 23 सितंबर तक लंपी वायरस के कारण पूरे देश में 97,435 मवेशियों की मौत हो चुकी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि लंपी वायरस इस समय देश के 15 राज्यों के कुल 251 जिलों में पैर पसार चुका है और 23 सितंबर तक 20 लाख से अधिक जानवर इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये लंपी वायरस है क्या। लंपी स्किन डिजीज को गठदार त्वचा रोग वायरस भी कहा जाता है, वहीं शॉर्ट में इसे LSDV भी कहा जाता है। यह एक संक्रमित बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। आसान शब्दों में कहें तो संक्रमित पशु के संपर्क में आने से दूसरा पशु भी बीमार हो सकता है। यह बीमारी कपरी पॉक्स वायरस नामक वायरस के चलते होती है। इस वायरस का संबंध गोट पॉक्स और शिप पॉक्स वायरस की फैमिली से है। जानकारों की माने तो मच्छर के काटने या फिर खून चूसने वाले कीड़े के जरिए यह बीमारी मवेशियों में फैल रही है। आंकड़ों के अनुसार 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें गुजरात, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, जिसमें लंपी वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। इन राज्यों में बीमारी के लिए अति संवेदनशील मवेशियों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी। आंकड़ों से पता चलता है कि बीमारी के कारण प्रभावित मवेशियों की संख्या 20 लाख थी, जिनमें से 12,70,000 पशु ठीक हो गए हैं। राजस्थान में लंपी वायरस का प्रकोप पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। अकेले राजस्थान में लगभग 14 लाख मवेशी लंपी वायरस से प्रभावित हुए हैं। इसके बाद पंजाब में लगभग 1,75,000 और गुजरात में 1,66,000 पशु लंपी वायरस के कारण प्रभावित हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मौत भी राजस्थान में ही हुई है। 23 सितंबर तक प्रदेश में 64,311 जानवरों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पंजाब में इस बीमारी के कारण 17,721 मवेशियों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि 23 सितंबर तक 1,66,00,000 मवेशियों को लंपी वायरस से बचाने के लिए टीका लगाया जा चुका है। इसी महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंपी वायरस पर कहा कि कई राज्यों में इस बीमारी के कारण पशुधन का नुकसान हुआ है। केंद्र विभिन्न राज्यों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसे नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा है। 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के IFDLF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी वायरस के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया है। उन्होंने कहा कि बीमारी को नियंत्रित करने के लिए और भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल टीके की जरूरत है। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिजीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर, पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पशुओं का वैक्सीनेशन हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, भारत पूरी दुनिया के डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए और सभी साथी देशों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा है।